रोलर तैयार कर दिया है भूसे का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सफ़ीर सैफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गंदम की जो कटाई है उसका सीज़न जारी है, तो लोग जो गंदम की कटाई है वो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ तरीके हैं गंदम काटने के और उसको हासिल करने के, उन तरीक़ों के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो गंदम की कटाई के पाकिस्तान में बेशुमार तरीके मौजूद हैं। तो सबसे जो पहला तरीका है वो ये रवायती कटाई है, जिसमें कि एक दरांती की मदद से गंदम को काटा जाता है इस तरह से, और बाद में इसको गड्ढों की सूरत में बांध लिया जाता है और उसके बाद इसको मशीनरी में जो गुजार कर इसमें से गंदम के दाने अलहदा कर लिए जाते हैं और बाकी जो भूसा वगैरह है वो जानवरों के लिए बचा लिया जाता है। ये जो रवायती तरीका है गंदम की कटाई का वो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। कटाई के बाद इनको इस तरह गड्ढों की सूरत में बांध लिया जाता है ताकि इसको उठाना और वीट थ्रेशर में इसको आसानी से गुजारा जा सके, ताकि इसमें से गंदम निकाली जा सके। तो रवायती कटाई में जब उसको काट लिया जाता है तो इस तरह गड्ढों की शक्ल में इसको उठा के तो मशीन तक ले कर जाया जाता है, जहाँ पे इसको थ्रेशर में से गुजार कर दाने निकाले जाते हैं और भूसा अलहदा कर लिया जाता है। थ्रेशर मशीन जो है इसको ट्रैक्टर की मदद से शाफ्ट के ज़रिए घुमाया जाता है, जिसकी मदद से इसमें से जो दाने वगैरह है वो निकलते हैं और भूसा वगैरह निकलता है। तो सबसे रवायती तरीका तो यही है, इसी को इस्तेमाल किया जाता था पहले। अगला तरीका जो आपको बताने जा रहे हैं वो है जी कटर का, जिसकी मदद से सिर्फ इसको काटा जाता है गंदम को, और बांधने के लिए जो लेबर होती है वो मौजूद होती है और वो उसको बांधते हैं। तो इस तरीका में ट्रैक्टर के आगे एक कटर डाला जाता है जिसकी मदद से गंदम को काटा जाता है, लेकिन बाद में इसको बांधने के लिए मैन पावर चाहिए जो कि बंदे काम करते हैं। तो ये आपको दिखाते हैं जो कि हमारे साथ इस मशीन को, ट्रैक्टर के आगे डाली हुई मशीन जिसको कटर बोलते हैं, उसकी मदद से ये अभी जो गंदम है उसको काटा जा रहा है और काटने के बाद ये खुद ही एक साइड पे इसको गिरा रहा है, जिसकी मदद से गंदम को जो कटाई है वो काफ़ी आसान हो चुकी है। तो जैसे ही कटर अपनी कटाई मुकम्मल करता है पीछे से इस तरह से इसको बांधा जाता है, इकट्ठा करके इसको उठा कर थ्रेशर मशीन में डाला जाता है, जहाँ से इसमें से गंदम वगैरह को अलहदा कर लिया जाता है। तो कटर की मदद से कटाई के बाद इसको इसी तरह जो गड्ढे हैं उनको उठा के और इस थ्रेशर मशीन में से गुजारा जाता है, जहाँ से भूसा अलहदा हो जाता है और जो आपकी गंदम है वो अलहदा हो जाती है। रवायती तरीका कार के बाद जो मशीनी तरीका कार है उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है जी कंबाइन हार्वेस्टर का तरीका।
जिसकी मदद से वो काटता है और इस तरह इसके बाकियात को छोड़ देता है, जिसको बाद में मुख्तलिफ तरीक़ों से इकट्ठा किया जाता है, जिसके ज़रिए भूसा बनाया जाता है। तो ये जो रूलर कोस्टर मशीन है, जो वो इस तरह से इसके रूलर टाइप बना देती है, जो कि जानवरों के लिए बाद में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो उसकी तैयारी भी हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरीका में ये मशीन है जो रूलर कोस्टर जिसको कहते हैं, इसकी मदद से जो के हार्वेस्टर कंबाइन हार्वेस्टर जो बाकियात छोड़ती है गंदम की, उनको इकट्ठा किया जाता है और उसके रूलर बनाए जाते हैं, जो कि हम आपको दिखाते हैं जब ये तैयार हो जाएगा। तो इस मशीन की वजह से इनको इकट्ठा कर लिया जाता है बाकियात को और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें तकरीबन 14 मन का जो एक रूलर है वो बनता है, और ये अब आप देख रहे हैं इसको इस खेत में घुमाया जा रहा है और ये बाकियात जो हैं हार्वेस्टर की वो इकट्ठी कर रहा है। तो ये अब मशीन जो है वो जो रूलर है वो तैयार करके ले आई है, तो अब इसको उतारा जाएगा, तो जिस तरह का रूलर बना है वो भी आपको दिखाते हैं। अब रेडी हो चुका है, तकरीबन 20 मिनट जो बाकियात हैं हार्वेस्टर की बचाई हुई उनको इकट्ठा करके ये एक जो रूलर है वो निकाला गया है। रूलर तैयार कर दिया है भूसे का, तकरीबन लगभग 14 मन इसका वजन है जो ये तैयार किया है मशीन ने, जो इकट्ठा किया है। ये भी अब तरीका इस्तेमाल हो रहा है गंदम की जो बाकियात है उनको इकट्ठा करने के लिए। तरीका है वो हार्वेस्टर की कटाई के बाद जो बाकियात बनती है उसको इस चॉपर की मदद से चॉप किया जाता है, उसका भूसा बनाया जाता है। तो वो तरीका हम आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ और वो भी तरीका देखिए। तो नाज़रीन ये आप देख रहे हैं एक चॉपर नुमा मशीन है वो चल रही है और जो हार्वेस्टर की बकाया जात है उनको इस तरह चॉप करके इस ट्राली में इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि जो भूसा वगैरह है उसको बना के जानवरों के इस्तेमाल में लाया जा सके। ये होता है शुरू हार्वेस्टर के फिरने के बाद, जब हार्वेस्टर
अपना काम कर जाता है, ऊपर से जो दाने हैं गंदम के वो ले जाता है, तो वो अपनी बाकियात ऐसे छोड़ देता है, ये आप देख रहे हैं। तो इनको ये मशीन जो इकट्ठा करती है और इसको भूसे की शक्ल देती है। पांचवा तरीका है, उसमें ये एक मशीन है जो कि खुद गंदम को काटती है और काटने के बाद इसको खुद ही छोटी छोटी गड्ढियों की सूरत में बांध देती है। तो इस मशीन को भी आपको दिखाते हैं, ये भी एक तरीका पंजाब में पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है और ये भी अच्छा चलने वाला तरीका है। तो ये देख रहे हैं आप, इसके आगे भी कटर लगा हुआ है एक छोटा सा, इसके ऊपर इंजन है जो खुद ही गड्ढियाँ बना बना के इस तरह की छोटी छोटी जो है वो निकाल देता है। तो इसमें आपको जो गंदम है बांधने की ज़रूरत भी नहीं है, ये खुद ही कटाई करती है और खुद ही इसको बांध बांध के छोटी छोटी गड्ढियों की सूरत में पीछे फेंकती जाती है। फिर इन्हीं गड्ढियों को इकट्ठा करके तो जैसे थ्रेशर वीट थ्रेशर की मदद से गंदम वगैरह को, गंदम और भूसा वगैरह जो है वो उसको अलग किया जाता है। इसी मशीन में एक डोरी फिट होती है जो कि छोटी छोटी गड्ढियाँ बना के इसको बांध देती है। तो ये जो डोरी है इसकी मदद से इसको बांध दिया जाता है।